गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट। आपका सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा मॉडल्स क्या होता है, इंस्टांस, स्कीमा, डाटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसके बारे में आज आपको डेफिनेशन बताएंगे। सबसे पहले है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल में जितने भी लॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जितने भी लॉजिकल स्ट्रक्चर है डाटाबेस में, उसे मॉडल मतलब उसे एज अ स्ट्रक्चर के फॉर्म में डाटा को स्टोर किया कर जाएगा। लॉजिकल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? लॉजिकल स्ट्रक्चर जैसे ओरेकल में आप डाटा को स्टोर करोगे टेबल की फॉर्म में, सेगमेंट की फॉर्म में, रिकॉर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। डाटा मॉडल्स क्या करता है, ये जितने भी आप डाटा कनेक्ट करोगे एक दूसरे टेबल से, ठीक है, उसे प्रोसेस होगा वो टेबल, ठीक है, वो स्टोर होगा किसी सिस्टम में, ठीक है। ये थे आपके डाटा मॉडल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंस्टांसेस। जितनी भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे डाटाबेस में वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब स्टोर रहेगी, उसे हम कहेंगे इंस्टांस ऑफ अ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखना, आपने एक टेबल लिया है डाटाबेस में, ठीक है, आज आपने 100 रिकॉर्ड को सेव किया है, ठीक है, तो आपको डाटाबेस में क्या शो करेगा, 100 रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट आप उसी डाटाबेस में ऐड कर रहे हो 100 रिकॉर्ड, ठीक है, अब आपको आज मतलब कल आपको क्या दिखाई देगा, आपको टोटल 200 रिकॉर्ड, मतलब ऐड करोगे 200 रिकॉर्ड आपको टेबल में दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा इंडिपेंडेंस, मतलब डाटा जो है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप उस डाटा को चेंज करते हो, ठीक है, ये नहीं आपने किसी और टेबल में चेंज किया तो वो दूसरे टेबल में चेंजेस अफेक्ट करेगा, नहीं। इसमें क्या है, अगर आप स्कीमा डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हो एक लेवल पर, ठीक है, ये नहीं नेक्स्ट लेवल पर उसे अफेक्ट करेगा या चेंजेस करेगा उस डाटा को। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और दूसरा होता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या है, जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, ठीक है, वो फिजिकल स्कीमे पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस पर क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो लॉजिकल स्कीमा पर डिपेंड नहीं करती। ये लॉजिकल स्कीमा जो है ये डिफ़िकल्ट है अचीव करना, बिकॉज ओरेकल का सॉफ्टवेयर ये सिर्फ नेट पर ही चलता है। अगर आपके स्विच लाइट ऑफ नेटवर्क इशू हुआ तो ये लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस वाला जो प्रोसेस है डाटाबेस है ये चलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्कीमा क्या है, जितना भी आप डाटाबेस को डिज़ाइन करोगे उसका पूरा ओवरऑल डिज़ाइन डाटाबेस का, उसे हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स है इसके। पहला है फिजिकल स्कीमा, मतलब फिजिकल लेवल, लॉजिकल स्कीमा लॉजिकल लेवल, सब स्कीमा व्यू लेवल, ठीक है। हम स्कीमा की डेफिनेशन एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, इसमें तीन टेबल में रिलेशनशिप दिया है, एक है कोर्स, स्टूडेंट और सेक्शन में, ठीक है। इसमें क्या है, आप डिज़ाइन करोगे डाटाबेस को, ये आप सिर्फ डाटाबेस को डिज़ाइन करोगे, ये नहीं बताएगा उस डाटाबेस में कौन सा टेबल है, ठीक है, उसकी जो डाटा आपने प्रेजेंट है उस टेबल में ये कुछ नहीं शो करेगा, ये सिर्फ आपको इंटरनल नहीं बताएगा, आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताएगा डाटाबेस का, ठीक है। इसमें क्या है, स्कीमा जो है वो स्ट्रक्चरल व्यू डाटाबेस है, ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताएगा, इंटरनल डिटेल्स या एग्जीक्यूशन वगैरह आपको परफॉर्म करना नहीं बताएगा। इसमें बीच में टेबल कौन से है, उस टेबल में डाटा कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू लेवल। सबसे पहले है, जितना भी डाटाबेस आप फिजिकल लेवल पर डिज़ाइन करोगे वो होगा फिजिकल स्कीमा, ठीक है। इसमें क्या है, आप डाटा को कैसे स्टोर करते हो, ठीक है, ब्लॉक्स के फॉर्म में, ठीक है,
नेक्स्ट है लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल में क्या है, आप डाटाबेस को लॉजिकल लेवल पर स्टोर करोगे, ठीक है। लॉजिकल स्कीमा बनेगा, इसमें क्या है, प्रोग्रामर और एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर मतलब काम करते हैं इस लेवल पर, ठीक है। इसमें डाटा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स में सेव होगा, ठीक है। आगे क्या है, व्यू स्कीमा, इसमें क्या है, डाटाबेस जो है वो व्यू लेवल पर डिज़ाइन होगा। ये कौन सा होगा, इसमें यूज़र्स इंटरेक्शन करेंगे डाटाबेस के साथ, ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक, डाटा मॉडल्स क्या है, डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, स्कीमा, ठीक है। थैंक यू क्लास।